राधे राधे, आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पोस्ट में शेयर कर रहे हैं धनतेरस और दान। जितना शुभ धनतेरस के दिन खरीदारी करना होता है, उतना ही शुभ इस दिन कुछ चीज़ों का दान करना होता है। धनतेरस के दिन दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। मान्यता है धनतेरस के दिन किए गए दान से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, साथ ही कई अन्य परेशानियों से भी राहत मिलती है। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन दान करी जाने वाली वो वस्तुएं कौन सी हैं और दान करते समय किस चीज़ का ध्यान रखें। धनतेरस पर दान करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखने की जरूरी है। पहली ये कि आपको दान में कभी भी सफ़ेद चीज़ों को नहीं देना है। दूसरी बात यह है कि आपको जो भी दान करनी है वो सूर्यास्त से पहले ही दान करें। तो आइए अब जानते हैं धनतेरस के दिन किन चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन सबसे पहले इस चीज़ का दान करें। धनतेरस के दिन वस्त्र दान करना महादान माना जाता है, इसीलिए सबसे पहले यही दान करना चाहिए। धनतेरस के दिन आप किसी भी निराश्रित और ज़रूरतमंद व्यक्ति को कपड़ों का दान करें। अगर ये कपड़े लाल तथा पीले रंग के हों तो अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन वस्त्रों के दान से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और दूसरा महत्वपूर्ण दान अन्न दान होता है। धनतेरस पर वस्त्र दान के बाद और अत्यंत महत्वपूर्ण दान अन्न दान को माना गया है, इसीलिए धनतेरस के दिन आपको किसी गरीब व्यक्ति को घर बुलाकर आदर सत्कार के साथ भोजन कराना चाहिए। इस भोजन में पूरी और चावल की खीर विशेष रूप से शामिल करनी चाहिए। भोजन कराने के बाद उसे दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी को घर बुलाकर भोजन कराने में असमर्थ हैं तो उस व्यक्ति के घर जाकर भी अनाज का दान कर सकते हैं, लेकिन दक्षिणा देना ना भूलें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और जातक पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। और इस दिन इस चीज़ का दान करने से आपके घर के धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। धनतेरस के दिन अन्न वस्त्र के अलावा किसी निराश्रित और ज़रूरतमंद व्यक्ति को नारियल और मिठाई का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से धन के भंडार भी भरे रहेंगे और कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। ये तो हम सभी जानते हैं, नारियल सभी पूजा में काम आता है और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है, इसीलिए नारियल का दान करना धनतेरस के दिन अति शुभ माना जाता है। इसके अलावा किसी शुभ काम की शुरुआत मीठा खाकर ही की जाती है, इसीलिए मिठाई का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे जीवन में भी शुभता आती है और अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए इस दिन इस विशेष चीज़ का दान करें। धनतेरस के दिन लोहे से बनी वस्तुओं का दान करना चाहिए। मान्यता है ऐसा करना अत्यंत शुभ होता है, इससे दुर्भाग्य कोसों दूर भागता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इससे लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा लोहे को शनि देव की धातु भी माना जाता है। धनतेरस के दिन लोहा दान करने से शनि के शुभ फलों की प्राप्ति होती है और शनि देव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, इसीलिए हो सके तो धनतेरस के दिन लोहे का दान अवश्य करें। और इस चीज़ के दान से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू लाकर उसकी पूजा तो की ही जाती है, लेकिन धनतेरस के दिन अगर आपका कोई ऐसा करीबी है जो लगातार पैसों की तंगी झेल रहा हो तो आप उसे धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर दान कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से
माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न होंगी ही, साथ ही आपके मन की अच्छी भावना को देखकर आपके उस करीबी को भी संपन्न बना देंगी। लेकिन आपको ये झाड़ू का दान किसी करीबी रिश्तेदार को ही करना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति को झाड़ू का दान करने से आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इस झाड़ू का दान किसी मंदिर में भी किया जा सकता है। ऐसा करने से भी देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन इन पांच चीज़ों का दान जरूर करें और हमें इस पोस्ट से अब आज्ञा दें। स्वीकार करिए मेरा प्यार सहित नमस्कार। आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, अपनी एक परेशानी आपसे शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से परेशान हैं, जिसकी वजह से सांस फूलती है और पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है, आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें। अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।